हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो भैया, प्रीवियस ईयर के वन मार्क क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सीबीएसई वाले किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं फॉर वन मार्क। क्लियर है? इससे जल्दी से आपको चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वन मार्क से एक एक मार्क से लगभग सारा चैप्टर आपका कवर हो जाता है बेटा जी। तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक कर देना, दो लाइक मत करना, है ना। दो लाइक करने से वो दोबारा मतलब लाइक चला जाएगा। शेयर कर देना जितना ज्यादा पॉसिबल हो। अगर आपको लग रहा है कि भारत सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें भी इनको मोटिवेट करना चाहिए, देन जरूर शेयर कर देना। चलिए बेटा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर वन मार्क क्वेश्चन करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल के। अगले करने वाले हैं भाई पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये डेली, अब मैं ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है कि ये कब आया हुआ है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में क्या होता है भाई, ग्लूकोज एक एल्डोज है, इसमें एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप काम करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ फ्रुक्टोज की, फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? तो देखिए, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, यानी कि दो मोनोसैकेराइड से बनता है। और याद रखना है किस किस से बनता है भाई, ये बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, एंड सेकेंड बीटा डी गैलेक्टोज से बनता है, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब अब इस तरह से नहीं आएगा, अब आपसे पेपर पूछ लिया जाएगा पॉलीसैकेराइड किसे बोलते हैं, वन लाइनर में बन सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। और पॉलीसैकेराइड का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या रह सकता है, सेल्यूलोज। क्या रहेगा, सेल्यूलोज इसका एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई ये क्वेश्चन। मैंने ट्रिक आपको कराई है इनके स्ट्रक्चर की, चेक कर लेना। ये होता है CHOH और मैंने रिएक्शन भी कराई हुई है, ये होगा CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो बेटा जी क्या होगा, नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। CHOH4 और नीचे क्या रहेगा, CH2OH ही रहने वाला है। इसे बोलते हैं डी ग्लूकोज, और ये यहाँ पे क्या बन चुका है, डी सैकेरिक एसिड बन चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है भाई अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नेम of two monosaccharide obtained on hydrolysis of lactose sugar. अभी करके आए हैं, lactose sugar से आपको क्या मिलता है, beta D glucose मिलता है और एक beta D galactose मिलता है। galactose याद रखना, lactose, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। अगले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, स्टार्च एंड सेलुलोज में बताना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो स्टार्च है और सेल्यूलोज है, ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि पॉलीसेकेराइड तो हैं दोनों, अब ये बनते किससे हैं, बात यहां पे आ गई है स्टार्च की और बात यहां पे आ गई है सेल्यूलोज की। इनका मोनोमर क्या रहता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए अगर सिंपली बताओ तो इसमें होती है अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसमें अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। अगली बात करें सेल्यूलोज की, तो इसमें होती है बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, ये बनता है बीटा डी ग्लूकोज से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड, स्टार्च माल्टोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज। देखिए फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड है, और जो स्टार्च है ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो आंसर क्या बचा हमारे पास,
माल्टोज, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी ऑल इंडिया में बहुत आ रहा है कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन वाला। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद NH2OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। आपके पास ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO CHOH4 CH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करवा दी, विद NH2OH के साथ करवा दी आपने इसकी रिएक्शन। तो क्या होगा, ये चीज यहां से बाहर निकलेगी और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड NOH, यहां पे CHOH4 और नीचे क्या लगेगा, CH2OH लगने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, कौन से वाला इनमें मोनोसैकेराइड। ऑप्शन है स्टार्च, माल्टोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज, तो यहां से आंसर आएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च इज वॉटर सोल्यूबल, कि स्टार्च के कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो वॉटर सोल्यूबल होते हैं। देखो स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। तो इसमें जो अमाइलोज होता है ना वो वाटर सोल्यूबल होता है, मैं बताता चलूं आपको, लिख लेना इसको। एक होता है इसमें अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वाटर सोल्यूबल होता है और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड रिएक्शन ऑन रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज एंड ब्रोमीन वाटर। देखिए ब्रोमीन वाटर भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने ऊपर रिएक्शन की थी, एक बेटा ध्यान से देखना, हमने एक ऊपर रिएक्शन की थी कि क्या होगा जब हम HNO3 के साथ, मैं आपको ना करके दिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारे पास होता है ग्लूकोज CHO CH2OH4 ना CH2OH, ये CH2OH नहीं होता है, CHOH होता है। अगर मैं बोलूं इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवा दो तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर मैं आपको बोलता हूं ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दो तो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओगे तो क्या होगा, दोनों जगह पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कराइए तो ये होगा CWH, माफ कर देना पहले गलती होगी, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा, क्लियर। पहले वाला क्या था, पहले वाला था सैक्रिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सैक्रिक एसिड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI, ग्लूकोज को आपने HI के साथ ट्रीट करना है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। देखिए ग्लूकोज समझते हो ना, CHO CHOH4 and CH2OH, इसकी रिएक्शन जब आप HI के साथ कराओगे तो HI क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। तो हर एक जगह पे रिडक्शन हो जाएगी एंड ये सारे के सारे हाइड्रोजन लगेंगे ऑक्सीजन की जगह पे, ऑक्सीजन सारे हट जाएंगे कुछ इस तरह से, ये एक हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है एंड यही बताता है कि ये एक ओपन चेन होती है स्ट्रक्चर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एनोमर्स, एनोमर्स किसे कहते हैं। द पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स विच डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 1 आर कॉल्ड एनोमर्स, जिसमें OH की पोजीशन डिफरेंट होगी कहां पे, फर्स्ट कार्बन पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए, शायद क्या आ जाना चाहिए, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, और सिर्फ एक ही जगह पे, एक दूसरे के नहीं होते, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। देखिए इस तरह से बनता है, यहां पे ऐसे, यहां पे लग गया HOH, यहां पे HOH। बहुत अच्छे से मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाए हुए हैं, OH, H, H, OH, और यहां पे है H।
क्लियर है, ये क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर होता है, अल्फा डी। डी का हमें कैसे पता लगता है, इस पोजीशन को देखते हैं, अल्फा में कहां से पता लगती है, यहां से, ये कार्बन वन होता है। अब यहां पे क्या है, आप देखो OH इस साइड में है, अगर आप इस OH को इधर करके H को इधर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा, और यही क्या है, एनोमर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एनोमर्स हो चुका है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, पॉलीसेक्राइड आपको बताने हैं, पॉलीसेक्राइड बता दोगे, अभी बताया था, क्लियर है। उसके बाद इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है, एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एंजाइम इज कॉल्ड इन्वर्टेज एंड द शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। आपने सुना है एक वर्ड, इन्वर्जन वर्ड सुना आप लोगों ने, इन्वर्जन करते हैं हम लोग, ऐसे होता है C12H22O11, ये शुगर है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो सकती है या फिर एंजाइम जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेज, ठीक है। तो आपको इसका इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाएगा, किसका, ग्लूकोज का एंड फ्रुक्टोज का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है भाई इन्वर्ट शुगर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मान लो ये क्वेश्चन एक नंबर में नहीं आएंगे ना, तो दो नंबर में आ जाएंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसे कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसे कहते हैं जिससे दो मोनोसैक्राइड जुड़े होते हैं बाय द लूज ऑफ H2 मॉलिक्यूल, क्लियर है। अब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होता है यहां पे O, यहां पे H, इस तरह से, और फिर H2O का लॉस करके जो बन जाता है, प्लीज इसको बुक में अच्छे से देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च, जस्ट अभी किया था हमने, स्टार्च के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं भाई, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट अ रिएक्शन विच शोज दैट ऑल द कार्बन एटम इन ग्लूकोज आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, उसकी रिएक्शन हमने HI के साथ करवाई थी, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ग्लूकोज पे रिडक्शन करा देगा और उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन आप लोगों ने बताने हैं। तो पहला फंक्शन देखो, कई सारे फंक्शन होते हैं जिनमें आप लोग लिख सकते हो, दे कैन एक्ट एज, ये बुकिश लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दे एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनिमल्स में स्टोरेज मटेरियल के रूप में काम करता है, तो वो स्टार्च है, और एनिमल्स के अंदर वो है ग्लाइकोजन, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन है और प्लांट्स के अंदर क्या है, वो स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ट बाय द पायरनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पायरनोज स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसी को पायरनोज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, एंड बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ट्रिक से मैंने करवाया हुआ है, देख लेना, ठीक है। उसके लिए पहले आपको एवोर्थ बनाना आना चाहिए, फिर इसकी फिशरमैन प्रोजेक्शन बनती है, ये ओ, ये एच, ये ओ एच, ये एच ओ एच, फिर ओ एच एच, फिर एच ओ एच, और यहाँ पे फिक्स रहता है एच सी एच टू ओ एच, ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर किसे बोला जाता है भाई, किसे बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट आर कॉल्ड, या फिर फेलिंग सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के क्या प्रोडक्ट रहेंगे, वो रहेंगे भाई ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच फॉर फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। पूछ लिया जाता है फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, मैं शॉर्टकट में समझाता हूं आपको, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर में क्या होता है, स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं वाटर में, और ये क्या होते हैं भाई, सोल्युबल होते हैं।
इनकी बात करें तो फाइबरस प्रोटीन क्या होते हैं, शो नो चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, शो रिमार्केबल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा फाइबरस प्रोटीन का, फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल हो सकता है हेयर, सिल्क, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा हेमोग्लोबिन इन ब्लड। इसके अलावा एंजाइम्स जो होंगे वो ग्लोबुलर प्रोटीन में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक बिहेवियर क्या होता है, जिसमें एसिडिक रिएक्टर भी हो बेसिक रिएक्टर भी हो, और वो क्यों होता है, बिकॉज इनके पास अमीनो ग्रुप होता है जो कि बेसिक होता है नेचर में। देखो कोई भी अमीनो एसिड आप कैसे बनाते हो, इस तरह से बनेगा, किसी भी अमीनो एसिड को अगर आप बनाओगे, देखो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है, NH2 लगा होता है एंड CWH लगा होता है, ये होता है अमीनो एसिड। ये जो CWH है ना, ये होता है एसिडिक इन नेचर, और ये जो NH2 होता है ये होता है बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। क्या होगा भाई एसिडिक अमीनो एसिड, क्या होगा जिसमें ये जो एसिडिक ग्रुप होंगे ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप आर मोर देन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, और बेसिक क्या होगा जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एक मार्क का ये, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और वो कौन सी लिंकेज होती है भाई, उस लिंकेज को बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज, या फिर पेप्टाइड लिंकेज ऑप्शन में नहीं होगी तो ऑप्शन में आपको मिलेगा CONH लिंकेज। CONH लिंकेज अब इतना तो देख के आ ही चुके होंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन झट से खुद ही कर रहे होंगे, एक आधे क्वेश्चन में अटक रहे होंगे, वरना तो कर ही रहे होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं हम लोग, एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, डाइट के थ्रू सप्लाई करना पड़ता है हमें इनको। एग्जाम्पल क्या होगा भाई इसमें, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो वैलिन, वैलिन हो गया, या फिर इसके अलावा ल्यूसीन। अगला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन खुद से कर लोगे, डीनेचुरेशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन, एंड होता किस तरह से आप कर सकते हो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को, बाय द चेंज इन टेम्परेचर, बाय द चेंज इन pH। क्लियर है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। आगे बढ़िए, एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इसका, बॉइलिंग ऑफ एग्स, अंडे को अगर आप उबाल दोगे, या फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, अमीनो एसिड क्या होते हैं, दीज आर द मोनोमर्स यूज्ड टू प्रिपेयर प्रोटीन। क्लियर, डिफाइन अ पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, प्रोटीन के जो अमीनो एसिड होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द वॉटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। भाई अंडे को जब हम उबाल देते हैं तो वो जो उसका वाइट, आपने मैक्सिमम बच्चे इतने तो होंगे, इतने वेजिटेरियन तो होंगे कि वो एग खाते हैं, ठीक है। अब समझिए इसकी मैं बुकिश लैंग्वेज समझाता हूँ। जो एग होता है कंटेन अ सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन। एग के अंदर क्या होता है, वो जो व्हाइट पोर्शन होता है ना, वो सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, एंड उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। और जब हम उसको बॉइल कर देते हैं तो प्रोसेस हो जाती है डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन से वो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस प्रोटीन में, जो कि इनसोल्यूबल होता है, और वो जो वॉटर है वो उसी में यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 और मोर अमीनो एसिड। नाम से क्लियर है, पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड बहुत सारे पेप्टाइड। पेप्टाइड किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से कम कितने अमीनो एसिड होने चाहिए, 10 से ज्यादा होंगे तो आप उसे पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म एंजाइम। और इस अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट और एंजाइम एक ही बात होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को अप करते हैं। जो हमारे अंदर रिएक्शन होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, उनको भी क्या करते हैं, एंजाइम्स ही फास्ट करते हैं। अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल एंड कम्स आउट द बॉडी थ्रू
यूरिन। राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज बोन डिफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन। भैया इसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी टेबल, ठीक है। और बोन से रिलेटेड जो डिसीज होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज ब्लीडिंग ऑफ जर्म। मसूड़ों से खून किसकी वजह से आता है? विटामिन सी की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ये आईज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी विटामिन ए की वजह से होंगी। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकेट्स। रिकेट भी बेंडिंग ऑफ बोन्स होती है, तो अगेन वही बात हो गया। क्या हो गया भाई? रिकेट्स हो गया, तो विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी। स्कर्वी किसकी वजह से होती है? स्कर्वी उसी को बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ जर्म्स को, विटामिन सी की वजह से। डिफाइन द टर्म फॉलोइंग टर्म विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं एंड इनकी रेगुलर सप्लाई जरूरी होती है। स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाउट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड विटामिन। व्हाई विटामिन ए आर एंड विटामिन सी आर एसेंशियल फॉर अस, ठीक है। देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बीमारी हो जाती है जेरोथैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन सी की वजह से कैसी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द डेफिशिएंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन ई इन द डाइट। अभी पता होगा विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, और विटामिन ई की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है भाई? मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। जो वीकनेस फील होती है या जो दुबले पतले होते हैं, और भी कई सारी बीमारियां होती हैं, वो पढ़ लेना, मुझे बोलने में थोड़ी शर्म आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेम द डेफिशिएंसी डिसीज रिजल्टिंग। पढ़ सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीज विटामिन ए की वजह से अभी बताया है। परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? अभी फेमस बीमारी है ये, और ये होती है विटामिन बी वन टू की डेफिशिएंसी से, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिंस, किया हमने, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज परनीशियस एनीमिया। विटामिन बी वन टू होगा, और कन्वल्शंस किसकी वजह से होती है? विटामिन बी सिक्स की वजह से, की कमी से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। एंड अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड किसे कहा जाता है भाई? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं जिसमें बेस हो, जिसमें बेस रहेगा एंड शुगर, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस हो एंड शुगर हो। और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? टाइड तो कंप्लीट होता है, जिसमें बेस भी होगा, शुगर भी होगा एंड फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में किस तरह की लिंकेज देखने को मिलती है भाई? वहां पे देखने को मिलती है एस्टर लिंकेज, याद रखिए एस्टर लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द बेस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए ओनली। बताओ भाई, यूजीसी तो सेम ही था, टी एंड यू में डिफरेंस था। थायमाइन जो होता है वो डीएनए में अलग होता है, और यूरासिल होता है जो आरएनए में अलग होता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को किस तरह से डिफाइन करोगे भाई आप? न्यूक्लियोसाइड कंटेन पेंटोज शुगर एंड बेस, इसी को बोलते हैं। मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन आवर बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है भाई? डीएनए इज रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडेटरी ट्रांसफर, ठीक है, हेरिडेटरी ट्रांसमिशन। हेरिडेटरी ट्रांसमिशन समझते हैं इस बात का मतलब? लाइक जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है। हमारी हाइट हो गया, हमारा बोलने का स्टाइल हो गया, हमारा रंग रूप हो गया, चलने का स्टाइल हो गया, हमारे पूर्वजों से, ठीक है, पूर्वजों से भी कहीं प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में भी स्पेसिफिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन अभी पॉलीमर से रिलेटेड आ गया। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे लगाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन में से प्लास्टिसाइजर्स है, ठीक है, कौन में थर्मोप्लास्टिक है, कौन में थर्मोसेटिंग है, कौन सा इनमें फाइबर है, क्लियर है। तो यहां से जो सबसे हार्ड वाला रहने वाला है, सबसे हार्ड रहेगा यहाँ पे टेरिलिन, याद रखिए जब भी आ जाए क्वेश्चन। और सबसे वीक यहाँ पे रहेगा बोनास। बोनास क्या है कि इलास्टोमर है, और बीच में आ जाएगा यहाँ से पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर लीस्ट इन केस ऑफ इलास्टोमर्स, और इलास्टोमर का एग्जांपल क्या है, बोनास है, वाइल स्ट्रॉन्गेस्ट इन केस ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का एग्जाम्पल जो है वो है टेरिलिन, और जो थर्मोप्लास्टिक हो गया वो पॉलीस्टाइरीन है, तो उसके में बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स, बन सकता है क्वेश्चन, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टेरिलिन, पॉलीस्टाइरीन एंड नियोप्रीन, बताइए। अभी पता होगा आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो कौन आएगा, यहाँ पे टेरिलिन ही होने वाला है, ठीक है, और सबसे वीक कौन सा होगा, यहाँ पे नियोप्रीन, और बीच में कौन आ जाएगा, पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर, बोना एस का बताना आपको, बोना एस का मोनोमर क्या होता है, ब्यूटा 1,3 डाई इन, एंड एस से क्या बन जाता है, यहाँ पे स्टाइरिन बन जाता है। बहुत अच्छे से करवा रखी है, आई होप कि आप लोगों ने वन शॉट देखा है। ये है 1,3 डाई इन, कर दो CH2 और CH2 यहाँ पे H और स्टाइरिन किसे कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर जब बेंजीन लग जाता है तो इसे हम लोग स्टाइरिन कह देते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, बोना एस, प्रोटीन, PVC, पता होना चाहिए यहाँ पे प्रोटीन जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेज व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज नियोप्रीन, नियोप्रीन एक कैसा पॉलीमर है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बात करूं तो ये एक इलास्टोमर है, याद रखना इलास्टोमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर, नाइलोन, नियोप्रीन, PVC, PVC आएगा यहाँ से थर्मोप्लास्टिक में, ठीक है, और नियोप्रीन आएगा इलास्टोमर में, तो एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा और वह है नाइलोन, तो फाइबर क्या होता है कि नाइलोन, नाइलोन एक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म होमोपोलीमराइजेशन गिविंग एन एग्जांपल, होमोपोलीमराइजेशन किसे कहते हैं, होमोपोलीमर्स किसे कहते हैं जो सेम टाइप ऑफ मोनोमर से मिलके बनते हैं, और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो इसका एग्जांपल होगा पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीथीन ऐसे बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एन टाइम्स करेंगे और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और पाँव में लगेगा इसमें एन, होता है, क्लियर। आगे बढ़िए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल, इलास्टोमर, इलास्टोमर के एग्जांपल तो अभी हमने कर लिए, और किस तरह डिफाइन करोगे, विच हैव वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है, राइट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर, सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर तो यही है, होमोपोलीमर किसे कहते हैं, विच आर प्रिपेयर बाय सेम टाइप ऑफ मोनोमर, एंड कोपोलीमर किसे कहते हैं, विच आर प्रिपेयर बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स यूज फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर, नायलोन 66, नायलोन 66 के मोनोमर आप लोगों को बताने हैं, तो इसका मोनोमर क्या होता है भाई, हेक्सामिथाइल डायमाइन एंड दूसरा क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है, ठीक है। हेक्सामिथाइल डायमाइन किसे कहेंगे, हेक्सा बोले तो 6 ना, हेक्सा ये मिथाइल और डायमाइन यानी NH2, ठीक है, और एडिपिक एसिड CH2 4 CWH, ये होता है एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इज CH2CHCl अ होमोपोलीमर और कोपोलीमर, ये एक होमोपोलीमर है, देख लो छोटा सा मोनोमर है, छोटा सा मोनोमर होमोपोलीमर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉलीमर विच इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल्स, कौन सा आएगा भाई यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है यूजेस वाला क्वेश्चन भी, तो यहाँ पे यूज किया जाता है टेफ्लोन, टेफ्लोन का की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, PTFE बोले तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, ऐसे बनता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसका मोनोमर होता है, और पॉलीमर क्या होता है इसका, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, पाव में एन भी लगाना पड़ता है, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाता है, पाव में हम लगा देते हैं एन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर,
PHBV एंड एक क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए पॉलीमर जो होते हैं ना वो मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर आपसे बायोडिग्रेडेबल नाम से क्लियर है, जिनको बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। डिफाइन किस तरह से करोगे? द नेचुरल पॉलीमर्स विच आर डिसइंटीग्रेटेड या डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलेंगे। इसका अगर एक एग्जाम्पल देने को बोला गया है, एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो यहाँ पे, नायलॉन टू नायलॉन सिक्स, ठीक है, नायलॉन टू नायलॉन सिक्स, ये पूरा एक ही है। और एक इसका एग्जाम्पल है PHBV जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। PHBV की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, इंपॉर्टेंट रहती है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, इसकी फुल फॉर्म है। एंड इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस तरह से बनता है, ओ मोनोमर पॉलीमर का CH CH3, पढ़ लेना एक बार। वैसे क्वेश्चन दिल्ली में ही आया हुआ, ऑल इंडिया में तो आया भी नहीं हुआ। CH2 COOH CH C2H5, यहाँ पे C2H5 आएगा, CH2 एंड CO, और पाव में पॉलीमर के क्या लगा देते हैं हम लोग, एल लगा देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पे पहुंच चुके हैं हम लोग, तो क्वेश्चन समझिए। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट आर चूजन एज ड्रग टारगेट्स, ठीक है, जिनको ड्रग टारगेट, जिनके साथ ड्रग जो इंटरेक्ट करती है, किसके साथ करेगी भाई वो? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। इसके अलावा प्रोटीन्स के साथ, या कह लीजिए न्यूक्लिक एसिड के साथ, जितने बायोमोलिक्यूल पीछे हम पढ़ के आए मोस्टली वो स्टार्टिंग वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेटर एंटासिड देन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटर एंटासिड है सोडियम बाइकार्बोनेट से, क्यों? देखिए क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो वाटर इनसोल्युबल होता है, वो नहीं घुलता पानी में, तो उसका काम क्या होता है, वो सिर्फ पीएच को एक न्यूट्रलिटी के लेवल तक लेके जाता है और उसके बाद नहीं बढ़ाता, ठीक है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटासिड। एंटासिड किसे कहते हैं? अभी बात की, द कंपाउंड विच रिड्यूस और न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड रेज द पीएच टू appropriate level are known as, ये प्लीज यार सभी दवाइयों के एग्जाम्पल याद रख लेना, एंटासिड का एग्जाम्पल क्या और इनका फंक्शन क्या है, एक एक नंबर में ये बड़े चांसेस बनते हैं इनके बनने के। सुन मेरी मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, एंटासिड किसे कहते हैं? जो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, और एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? रेनिटिडीन, रेनिटिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा फेमस है, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? राइट, इट्स वन यूज 2-3% आयोडीन सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, और इसका यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक। इसका यूज हम कैसे करते हैं? एज एंटीसेप्टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है? द एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जब मैं ब्रॉड बोलता हूँ, ब्रॉड मतलब वाइड रेंज, बहुत ब्रॉड मतलब जिनका लेवल बड़ा हो, जो बहुत ज्यादा बीमारी को खत्म करते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल क्या होगा भाई इसका? इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर एंटीसेप्टिक? गिव वन एग्जाम्पल। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टू किल देम, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर इन्हें मार देते हैं। और ये क्या है? सेफ टू अप्लाई ऑन लिविंग बींग्स है, इनको लिविंग बींग्स पे अप्लाई किया जाता है। और जो इसके अलावा एक क्लास होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, वो भी सिंपल यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, बट वो अनसेफ होते हैं, वो सेफ नहीं होते लिविंग बींग्स पे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? गिव वन एग्जांपल। लिमिटेड को हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हैं। तो क्या होगा?
एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल करें तो इसका एग्जाम्पल होगा डाइसिड्राजीन, इसका एग्जाम्पल होगा डाइसिड्राजीन, डाइसिड्राजीन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग सब्सटेंस, गिव वन एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर किसे कहते हैं? दोज मेडिसिन विच एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग एंग्जाइटी और रिलीफ टेंशन ऑन द नर्व्स आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर। ये क्या होते हैं? मेंटल टेंशन को खत्म करने के काम आते हैं। एग्जाम्पल कई सारे हैं इसके, लाइक इक्वानिल हो गया। एक एग्जाम्पल जो अभी बुक में मेरे को दिखाई दे रहा है वो है वेलियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, अभी बहुत देर से पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? अभी डिफाइन किया आपको। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? आर केमिकल सब्सटेंस विच इन लो कंसेंट्रेशन एदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हाँ, एग्जाम्पल क्या होगा भाई? अभी डाइसिड्राजीन किया जो कि एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक था, और क्लोरमफेनिकोल जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। विच क्लास ऑफ ड्रग्स इज यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स? स्लीपिंग पिल्स अच्छा फील कराती हैं, है ना, और मतलब मेंटल टेंशन को खत्म करती हैं, तभी नींद आएगी। टेंशन में तो आती नहीं बंदे को नींद, जैसे आजकल आपके पेपर चल रहे हैं, कहाँ नींद आ रही होगी। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? ट्रैंक्विलाइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन बींग? डिप्रेशन क्यों फील होता है? नेम अ ड्रग विच कैन यूजफुल इन ट्रीटिंग दिस डिप्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, लो लेवल हो जाता है किसका? नोराड्रेनालिन, नोराड्रेनालिन का, नोराड्रेनालिन, शायद मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं, नोराड्रेनालिन। इसकी वजह से ही हमें ड्रेनालिन, इसकी वजह से हमें डिप्रेशन फील होता है। और फिर हम यूज क्या कर सकते हैं इसको खत्म करने के लिए? इक्वानिल, इक्वानिल का यूज किया जा सकता है एज मेडिसिन इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का डिफरेंस। एंटीसेप्टिक हमने अभी किया, और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इनएनिमेट मटीरियल। इनएनिमेट मतलब जो लिविंग बींग्स ना हो। अच्छा, एक फेमस क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ केमिकल विच कैन बी यूज एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 0.2% जो फिनोल है वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंड 1% फिनोल जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटोल। डिटोल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? बन सकता है, सारे बन सकते हैं जब मैं बोल रहा हूँ यार। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरोजैलिनोल। और कल के पेपर के बाद तो डर लगने लगा है गैस लगाने से भी। क्लोरोजैलिनोल एंड टर्पिनोल, टर्पिनोल, ठीक है, ये होते हैं क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिटोल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल स्वीटनर, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं? दो फूड विच प्रोवाइड स्वीटनेस बट डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी। जो हमें स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे बट उनसे हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एस्पार्टेम, अलीटेम, और सबसे फेमस जो है वो होता है सुक्रालोज। सुक्रालोज सबसे फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। एस्पार्टेम नहीं होगा, एस्पिरिन एक दवाई है, एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, पैरासिटामोल भी एक दवाई है, और यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। क्लियर? आगे बढ़िए। व्हाई इज यूज ऑफ एस्पार्टेम लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक? एस्पार्टेम के साथ क्या पंगा होता है भाई? वो अनस्टेबल हो जाता है कुकिंग टेम्परेचर पे, इसी वजह से उसको कोल्ड फूड या सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। नेम स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्वीट बनाने के लिए हम किस आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज करते हैं भाई? बताइए जरा। हम लोग यूज करते हैं सुक्रालोज का। आगे बढ़ते हैं। या फिर सैक्रीन का भी यूज किया जा सकता है, सैक्रीन का लिख लेना। What are the following substance? Give one example. Food preservative. किसे कहेंगे food preservative? जो food की spoilage को prevent करते हैं,
है ना, केमिकल विच प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। और खाना खराब क्यों होता है? ड्यू टू माइक्रोबायल ग्रोथ। जो भी हम खाना खाते हैं मोस्टली वो ऑर्गेनिक ही होता है, तो उसमें लिविंग बींग प्रोड्यूस हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े वर्ड नहीं यूज होगा, बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? शुगर, टेबल सोल्ट, वेजिटेबल ऑयल, और अभी एक ऊपर एग्जाम्पल किया था हमने सोडियम बेंजोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, अभी किया हमने, और वो क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। व्हाई डू वी रिक्वायर, देखो क्वेश्चन बन सकता है, आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्वानिल, मोरफिन एंड सोडियम बेंजोएट, तो पता लग जाएगा आपको। व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, क्या जरूरत है ऐसी मौज लो ना। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मोस्टली किनको चाहिए? डायबिटिक पेशेंट को, और उनको जो अपनी फिगर को मेंटेन रखना चाहते हैं, मतलब फिट रहना चाहते हैं, मेरी तरह नहीं जो कहीं से फैल जाए, तो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, अभी अ स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट, अभी किया था हमने, सैकरीन का यूज हम लोग कर सकते हैं। लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, और बिल्कुल लास्ट पोर्शन आ गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, क्लींजिंग एजेंट वाला क्वेश्चन समझिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने बताना है क्या होते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट्स, एनायनिक डिटर्जेंट्स किसे बोलेंगे भाई हम लोग? एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या होता है? हुज लार्ज पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज एनायन। ओके, लार्ज पार्ट ऑफ द डिटर्जेंट या ऑफ द मॉलिक्यूल इज एनायन। आज जो वीडियो लाइव की थी, या फिर ये वीडियो अगर सुबह अपलोड होगी, तो कल रात जो मैंने वीडियो लाइव की थी एक, तो वो एनायनिक पूरे का पूरा डिटर्जेंट से रिलेटेड पोर्शन था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट का? CH3CH2 10 CH2 OSO3 Na। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why is bithionyl added to soap? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। bithionyl क्या करता है? उसके अंदर किसी भी सोप के अंदर एंटीसेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स अराइज करता है। अगला क्वेश्चन आ गया है, कटाइनिक डिटर्जेंट्स किसे कहते हैं, जिसमें लार्ज वाला पोर्शन क्या होगा? कटाइनिक होगा। एग्जाम्पल क्या होगा भाई इसका? सीटाइल, ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वाटर कंटेन डिजोल्व CA2 पॉजिटिव आयंस आउट ऑफ सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट, विच विल यू यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ? सिंपल सी बात है यार, अगर वाटर में CA2 पॉजिटिव आयन है, मींस वो हार्ड वाटर है, और हार्ड वाटर में सोप तो काम करती नहीं है। कौन काम करता है? डिटर्जेंट काम करता है कि नहीं, पता होगा ये तो, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग सब्सटेंस, गिव वन एग्जांपल। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का एग्जांपल देना है। सिंथेटिक डिटर्जेंट किन्हें कहते हैं? पहली बात तो ये है, डिफाइन करें तो दीज आर द क्लींजिंग एजेंट्स व्हिच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप बट एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप। ठीक है, एंड दीज कैन बी यूज इन सॉफ्ट वाटर एज वेल एज इन हार्ड वाटर। क्या होते हैं ये? सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सोप की, बट इनके अंदर कोई सोप नहीं होता। और डिटर्जेंट्स को कई बार सोपलेस सोप भी बोला जाता है, सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ऊपर भी करके आए वैसे तो, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोडियम पैरा डोडेकाइल, डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, इसका एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर? बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है भाई ये भी, कि क्यों नहीं करती, बिकॉज क्या हो जाता है वहां पे, इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सिंथेटिक डिटर्जेंट बेटर देन सोप? बस सोप के साथ मेन डिसएडवांटेज क्या है कि वो हार्ड वाटर में काम नहीं करती, और डिटर्जेंट जो उसमें काम कर सकते हैं। और अगर सोप की एडवांटेज पूछी जाए तो वो बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट्स क्या रहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं। तो बेटा जी, इनसे मुझे श्योरली लगता है कि बहुत आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर, इनमें से भी कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे वहां पे। चलिए, थैंक यू सो मच, वीडियो पूरी देखी है तो बस बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमने वीडियो पूरी देखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।